हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग दोनों होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप और कंप्यूटर विंडोज़ 11 के लिए सूटेबल है कि नहीं है। मतलब आपकी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो विंडोज़ 11 के लिए सपोर्टेड है कि नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और उसकी सर्चिंग बार में लिखना है अपग्रेड विंडोज 11। उसके बाद पहले नंबर की वेबसाइट आएगी अपग्रेड टू न्यू विंडोज 11, आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको यहां सबसे नीचे आ जाना है और नीचे आप देख सकते हैं चेक फॉर कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ से डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद मैं इस एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। उसके बाद इस एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके रन करता हूँ। आई एक्सेप्ट इंस्टॉल। फिनिश। तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इस तरह से ओपन होती है। अब यहाँ पर आपको चेक नाउ पर क्लिक करना है। अब सी ऑल रिजल्ट्स पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में क्या सपोर्टेड है और क्या नहीं। मेनली हमें विंडोज़ 11 के लिए TPM सपोर्ट होना चाहिए हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में, 4GB रैम होनी चाहिए और सिक्योर बूट इनेबल होना चाहिए। तो ये तीन हार्डवेयर सपोर्ट है मेरे कंप्यूटर में, बट मेरा जो प्रोसेसर है वो i5 फिफ्थ जनरेशन है। बट विंडोज़ 11 के लिए आपका प्रोसेसर कम से कम 7th और 8th जनरेशन का तो होना ही चाहिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि TPM कैसे इनेबल करते हैं और सिक्योर बूट कैसे इनेबल करते हैं, तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो दिख जाएगी, वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका PC जो है वो विंडोज़ 11 के लिए सपोर्टेड है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।